आज हवाई अड्डों पर दो बड़े हादसे होते होते रह गए। जहां गोवा में एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे पर फिसल गई, तो वहीं दिल्ली के एयरपोर्ट पर दो विमान आपस में टकराने से बाल बाल बच गए। डीजीसीए को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान भिड़ने से बच गए। घटना तब हुई जब लैंडिंग के बाद इंडिगो की फ्लाइट टैक्सी वे की ओर जा रही थी और तभी स्पाइस जेट का विमान टेक ऑफ करने के लिए सामने से आ गया। हालांकि दोनों ही पायलट्स की सूझबूझ के चलते दुर्घटना होने से बच गई और कोई नुकसान की सूचना नहीं है। डीजीसीए ने लापरवाही की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ से दिल्ली आई थी, जिसमें 176 यात्री सवार थे। इससे पहले गोवा में भी करीब 5 बजे जेट एयरवेज का एक विमान दाबोली में एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया। प्लेन में 154 लोग और 7 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 15 को चोट आई है। जेट एयरवेज का कहना है कि हादसे के बाद सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट को 12:30 बजे तक बंद कर दिया गया है। तो पायलटों की सूझबूझ से बड़े हादसे होते होते टल गए, जिसमें कई लोगों की जिंदगियां बाल बाल बच गई। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है। देखते रहिए डीबी लाइव।